वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आप मिनी ब्लॉग में देखा होगा मेरा, उसका थोड़ा सा फुल वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सुबह उठ के निकल गई थी स्टेशन की तरफ, और स्टेशन से हम लोग ट्रेन पे बैठ गए थे। ट्रेन से सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा इधर से क्योंकि मैं बाद में बताऊँगी कि क्या हुआ था। फिर हम लोग पटना स्टेशन पहुंचते हैं जहाँ काफ़ी भीड़ होता है। पटना स्टेशन उतरने के बाद हमारे दोस्त हमें पिक करने आते हैं, स्पेशली हमें रास्ता नहीं पता होता है तो वो हमें लेने आते हैं। पर वहाँ पे एक पार्क होता है जो हमें वो घुमाने के लिए ले जाते हैं। देखो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोषी। और आज हम लोग यहाँ है। मैडम हाँ, हम लोग यहाँ हैं। हम लोग कहाँ हैं? कहाँ है? बिहार की राजधानी है। पीछे वाले बैकग्राउंड से पता क्या बोलते हैं इसको? बुद्धा स्तूपा। ये स्तूपा है, बुद्धा स्तूपा। वाओ, चिड़ियों की आवाज। कैमरा को देखते ही लड़की ने बाल खोल लिए। ये देखिए, वो देखिए रॉकेट है क्या? ये एरोप्लेन है। ओ सॉरी, हम गरीबों को कहाँ पता। ये स्तूपा का सामने से व्यू है जो कि कुछ इस तरह से बनाया हुआ था। और फिर हमारे दोस्तों को देखिए एरोप्लेन देखने के बाद का उनका रिएक्शन क्या होता है। सामने से हेलीकॉप्टर जा रहा है। देखे ना, कभी देख ही नहीं, ये लोग ऐसा करके देख रही है, ऐसे हम भी देख रहे हैं। ओए लड़की लोग, चलिए घुमाइए हम लोग को, बताइए क्या क्या जगह है। चलिए घुमाते हैं आपको ब्लॉगर रानी, चलिए घुमाइए। हम आधा से अधिक लोग सिर्फ रील्स बनाने के लिए आते हैं, और उधर साइड जो एरिया है कपल वाला एरिया, ठीक है? अच्छा, कपल खेलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग भी देख लेंगे क्या होगा। हाँ, और बस ये सारे नज़ारे देखते देखते हमें 6 बज जाते हैं। और 6 बजे के बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम बेसिकली लाइट्स का होता है, जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हम वहाँ तक रुके, उस टाइम तक थे तो हम लोगों ने उसे देखा था। गार्ड अंकल आप लोग सभी को एक फील्ड में ले जाएंगे जो कि बैक साइड ऑफ द व्यू है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और वहाँ पे इतिहास बताया जाता है। पूरा अंधेरा कायम रहे। ओ वाओ, से भागने गौरवशाली बिहार की गाथा। दर्शकों से अनुरोध है कि शो के दौरान लेजर की किरणों के सामने न जाओ और अपने मोबाइल के कैमरे इतिहास बताने से पहले जय हो जो सॉन्ग है उसको लगाया जाता है। और उसके लगाने के बाद अब बिहार का पूरा इतिहास जानेंगे। मैंने छोटा सा क्लिप इसमें ऐड करा है, तो ये लीजिए आपके लिए। बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार ने सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला कंटेंट। थैंक यू गाइस मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा ताकि मैं और भी ऐसे से वीडियो बना सकूं, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। सो थैंक यू।